नमस्कार, मैं आशा चौहान आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए देखते हैं अभी की ताजा खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की तरफ। मधुसूदनगढ़ में बाइक और मारुति वैन की भिड़ंत में महिला की मौत, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल। नरसिंहपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। सिंगरौली जिले के चितरंगी विकासखंड के ग्राम भोगड़ी में दीनदयाल वनांचल सेवा के तहत ग्रामीणों को मिली स्वास्थ्य सेवा। गुना जिले के मधुसूदनगढ़ में भोपाल रोड वारोड़ और दिलोरी के बीच में जाग नदी के पुल पर बाइक और मारुति वैन की भिड़ंत हो गई। इनमें दो लोग घायल हो गए। बाइक सवार तेज सिंह पिता मोहन बंजारा अपनी दादी छमली बाई पति भगवान सिंह बंजारा के साथ मधुसूदनगढ़ से सुंदरपुरा जा रहा था। इसी बीच जाग नदी पुल पर बाइक और मारुति वैन की भिड़ंत हो गई। इसमें छमली बाई और मारुति वैन चालक घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मारुति वैन चालक की हालत भी गंभीर है। इसमें कितने लोग चोट लगे? तीन लोग घायल हो गए। कौन कौन सा? एक तो तेज सिंह बंजारा और समझी भाई बंजारा, और एक गाड़ी का ड्राइवर था, उसका नाम है प्रीतम प्रजापति। अच्छा अच्छा, तो इनको ज्यादा चोटें किस कौन सा? सर ये तेज सिंह और समझी भाई को ज्यादा चोटें आई, जिसको भोपाल के लिए रेफर कर दिया। अच्छा अच्छा। शिवधाम बाल भैरव प्रांगण महाजन पेठ में आयोजित शिव महापुराण के समापन पर कावड़ यात्रा निकाली गई। बोल बम के जय घोष गूंजे और सारा शहर शिवमय हो गया। कावड़ यात्रा में महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस, मध्य प्रदेश पावर लूम फेडरेशन के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल एवं महापौर अनिल भोसले भी शामिल हुए और श्रद्धालुओं के साथ कावड़ उठाकर भगवान शिव के जय घोष लगाए। यात्रा में शामिल बड़ी संख्या में मातृ शक्ति ने अपने हाथों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि के बैनर लिए और प्रेरक संदेश दिए। बुरहानपुर से तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला की। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय में कृषि उपज मंडी में आयोजित आम सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि 14 वर्षों में भाजपा शासन में किसान गर्त में पहुंच गए हैं। किसान आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, वहीं युवा बेरोजगार उदासीनता के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही युवा एवं किसानों की समस्या हम सबसे पहले हल करेंगे। बिजली बिल आधा करने का भी संकल्प लिया जाएगा और शिवराज से आशीर्वाद मांग रहे। किस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं? किसानों की आत्महत्या आप सुन रहे थे? किसानों की आत्महत्या में देश में मध्य प्रदेश नंबर वन। जितनी आत्महत्या अफ्रीका में नहीं होती है, उससे ज्यादा आत्महत्या हमारे मध्य प्रदेश में होती है। बेरोजगारी में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर वन। और आप आशीर्वाद चाहते हैं हमारे महिला पर अत्याचार। लापता हुए तीर व्यापारी का शव इंदौर इच्छापुर हाईवे पर पंधाना क्षेत्र के ग्राम कुमठी के पास कुएं में मिला। कुएं के पास व्यापारी की बाइक और चप्पल भी मिली है, वो की वसूली करने के लिए खंडवा से बोरगांव बुजुर्ग जाने का कहकर घर से निकला था। खंडवा की पद्म नगर कॉलोनी निवासी अमित पिता किशन चंद भाटिया जलेबी चौक लोहा बाजार में तेल की दुकान है, वो बोरगांव बुजुर्ग वसूली के लिए निकला था। जबकि शाम को घर नहीं लौटा तो परिवार ने तलाश की। अगले दिन ग्राम कुमठी के पास मुकेश गुर्जर के खेत स्थित कुएं में व्यापारी का शव मिला। मौके पर बाइक और चप्पल मिली है। सूचना पर बोरगांव पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजन को सौंपा। इस पर रात को काफी प्रयास किया गया, परंतु कुएं से कोई डेड बॉडी निकालने में सफलता नहीं मिली। सुबह फिर गोताखोर बुलाए गए और डेड बॉडी निकाली गई, जो अमित भाटिया की डेड बॉडी होना पाई गई है। अभी लाकर पंधाना में पीएम कराया जा रहा है, जांच जारी है। अभी तक की जांच से मृतक की मौत कुएं के पानी में डूबने से होना पाई गई है।
सिंगरौली जिले के चितरंगी विकास खंड के ग्राम मोहगढ़ी में दीनदयाल वनांचल सेवा के तहत ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। वन परिक्षेत्र चितरंगी वन मंडल द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसके तहत गांव में रहने वाले आदिवासी बेगा जनजाति के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गई। स्वास्थ्य शिविर में चितरंगी रेंजर राम अवतार सिंह की अहम भूमिका रही। जहां आदिवासी लोग हैं ज्यादा, यहां के कर्मचारी आदिवासी लोग हैं, अस्पताल जाने में चितरंगी दूर है जी, इसलिए यहां ये शिविर लगाया जाता है। सिंगरौली से अमृत कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।